नमस्कार, मैं शिव शंकर जोशी भारतीय आदर्श विद्या मंदिर व्यास नगर से। कल हमने वसुधैव कुटुंबकम पर चर्चा की, आज हम आपको प्रकृति परिवार का परिचय कराएंगे। कक्षा प्रथमा, विषय पर्यावरण, पाठ 8, मैं और प्रकृति परिवार, भाग 2। भाग 1 में हमने वसुधैव कुटुंबकम पर चर्चा की, तो आज हम आपको प्रकृति परिवार का परिचय करवाएंगे। ओम परब्रह्म का वाचक है, क्योंकि ओम से ही सृष्टि का संचालन होता है और ओम की शक्ति से ही सृष्टि की रचना हुई है। ओम की ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो जीवन की शक्ति है, जिसके होने से शब्द को शक्ति प्राप्त होती है, यही ओम का रूप है। पूरे ब्रह्मांड में ओम ही व्याप्त है, तो ये देख रहे हैं आप, ये सब अपना प्रकृति परिवार है। बाघ बंदर, तो बाघ और बंदर क्या हुए? बाघ हमारे मामा हुए, बंदर हमारे मामा हुए। चिड़िया, कुत्ता, मैना, ये हमारे, चिड़िया हमारी बहन हुई, कुत्ता हमारा भाई हुआ और मैना हमारी बहन हुई। वर्षा, बरसात आती है जिसमें हम स्नान करते हैं, भीगते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं। कोयल जो बहुत मीठी बोलती है, बहुत मीठे स्वर में बोलती है, तो वर्षा हमारी रानी हुई, कोयल हमारी रानी हुई। सूरज जो हमें रोशनी देता है, हाथी, बड़द और नाग, ये हमारे दादा हुए। सूरज दादा, हाथी दादा, बड़ दादा, नाग दादा। मेघ अर्थात बादल, सिंह जंगल का शेर, ये राजा हुए। मेघ राजा, सिंह राजा। धरती जो हम सबका पालन पोषण करती है, वो हमारी माता है। गाय हमारी माता है। तुलसी, घर में सबके तुलसी का पौधा होता है, जिसमें आप देखते हैं कि सुबह और शाम माता जी दीपक करते हैं, ये तुलसी भी हमारी माता है। गंगा, गंगा मैया, गंगा भी हमारी माता है। अब इधर आओ, सबके घरों में बिल्ली है, तो बिल्ली हमारी मौसी हुई। ये है अपना प्रकृति परिवार, ये सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, मैं और मेरा परिवार। नमस्कार।